हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं शाम के करीब 4 बज रहे हैं, मैं सो गई थी लंच करने के बाद। तो थोड़ा सा बर्तन था उसको मैंने धुला और शाम वाला झाड़ू भी लगा लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने सिर में तेल लगाने, क्योंकि बाहर मैंने धुला हुआ था। और सिर में तेल लगाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी और चाय भी बनाऊंगी। और इस समय मेरा तबीयत जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है फ्रेंड्स। ये दाहिना हाथ जो है मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ दवा लेने। और ये हाथों की दवा मेरी बहुत पहले से चल रही है, बीच में मुझे बंद करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। ये जो पीछे वाला है हड्डी होता है रीढ़ का, वही कुछ है प्रॉब्लम। तो मुझे पट्टा भी लगाने को लिए डॉक्टर दिया है, मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ पट्टे, मेरे कहीं पड़े पट्टा दिया हुआ है लगाने के लिए गले में। तो इस तरीके से हमें लगाना है गले में अपने, और मैंने बीच में छोड़ दिया था इसे लगाना, इसलिए हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और इसे मुझे के 2-3 महीने पहले ही मिला हुआ है लगाने के लिए, और कंटिन्यू लगाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया क्योंकि दवा बंद हो चुकी है। इसलिए मैंने सोचा ये लगाने से क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं, डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला दवा नहीं तो क्या हुआ, इसे आप लगा सकते हो। तो सोच रही हूँ आज से लगाऊं, और इसे लगाने के बाद एकदम से सिर जो है तना तना सा रहने लगता है और अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में सब कुछ करना है। और मौसम जो है बादल बादल सा है, तो आज भी मौसम ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मौसम ऐसे ही रहना चाहिए, अच्छी लगती है। इसे लगाकर मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ और शाम के 7:30 बज रहे हैं। देखिए, चावल मैंने चढ़ा दिया है और सब्जी बनाना है। आज हमें मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए, मूंगफली मैंने भिगो के रख दिया है, मूंगफली की कढ़ी बनाऊंगी। आप चाहे कढ़ी बोलिए या निमोना बोलिए, तो जो भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, मैं पेस्ट इनका बनाऊंगी। ये है प्याज लहसुन हरी मिर्च जो लाल हो चुकी है, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो हमारे घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है मूंगफली की सब्जी, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों को से क्या बताएं, अगर हमारे घर में सब्जी नहीं होती है तो बस यही होता है, चलिए मूंगफली की कढ़ी बना लीजिए। तो चलिए, पहले हमें मूंगफली को भिगो के रख देना है, उसे आधे घंटे के लिए
जब ये अच्छे से फूल जाए तो हम इसको धुल के पीस लेंगे मिक्सर में। फिर उसके बाद इसको छौकेंगे, इसमें आलू भी डालेंगे। तो अभी आप लोग देखते जाइएगा मैं किस तरीके से मूंगफली की सब्जी बनाती हूँ, और आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो हमने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा चिप्स फ्राई किया था, तो इसी कढ़ाई में मैं सब्जी छौंकूंगी। और इसमें डाला है सरसों का तेल, थोड़ा सा और तेल डालूंगी जब कढ़ाई थोड़ा गरम हो जाए। फिर कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, इसमें डाल दिया है मेथी के कुछ दाने, तो मेथी को हम चटकने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो पेस्ट बना के रखा है प्याज लहसुन हरी मिर्च का, उसको डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा कलर वाला, और साथ में नमक भी डाल देंगे। तो पहले मैंने नमक डाल दिया है, अब डालूंगी धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच के करीब हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कलर वाला मसाला। तो अब हम ये इसे अच्छे से भून लेना है। अगर आपके पास सब्जी मसाला जो आता है किचन किंग मसाला वो हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मैं एक पुड़िया इसमें डालूंगी, ये देखिए ये सब्जी मसाला है, तो इसे भी डाल दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है इसे डालने से। तो मसाले थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें जो पेस्ट बना के रखा है मूंगफली के, उसे डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से गीली हो जाए और मसाले में मिक्स हो जाए और अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे बहुत ही हल्की हल्की आंच में भूनना है ढक ढक के, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। तो अब मैं इसे ढक दूँगी। तो सब्जी को हम फिर से चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कढ़ाई में कहीं चिपका तो नहीं है। तो ये कढ़ाई में चिपका नहीं है, गैस का फ्लेम हम बहुत ही कम कर दिए हैं। तो ये देखिए ये भुन रही है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, और आलू को भी अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद भूनूंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए, और हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें आलू पक ना जाए। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, और ऐसे ही समझिए कि मैं इसे भून रही हूँ, चाहे समझिए पका रही हूँ। तो इस तरीके से सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो सब्जी हमारी भून चुकी थी, मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया है, तो इतना ही ग्रेवी हमें चाहिए, तो इसलिए मैंने इतना ही पानी डाला है। अब हम इसे 1 या 2 उबाल लेंगे, उसके बाद समझिए सब्जी रेडी हो चुकी है, आलू भी पक चुकी है। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।